खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों कभी कभी लगता है कि आज तो काम करने में फील नहीं आ रहा, बस यार आज नहीं पढ़ना, और फिर हमें घंटों बाद अफसोस होता है कि एक दिन यूं ही निकल गया। आप सोचते हो कि अच्छा काम शुरू करके बीच में छोड़ देने की परेशानी, जरूरी काम करके टाल देने की परेशानी केवल जवानी की है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। 43 रिसर्च स्टडी की मेटा एनालिसिस में पाया गया कि प्राइवेट ऑफिसेज में लोग औसतन 30-60% जरूरी काम टालते हैं और कंसिस्टेंट नहीं रहते। यानी प्रोफेशनल समझदार लोग जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, जिनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी से सीधे सैलरी बोनस जुड़ा हुआ है, ये लोग भी इनकंसिस्टेंट रहते हैं। ऐसा क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट होने के लिए, ये जानने के लिए हमें कंसिस्टेंसी का पहला नियम समझना जरूरी है। कंसिस्टेंसी अदृश्य है, इसलिए कठिन है। जाने माने ट्रेडर और मैथमेटिशियन नसीम निकोलस किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस में कहते हैं कि असल जिंदगी में प्रोग्रेस की लाइन लीनियर या सीधी नहीं होती। शुरुआत में रिजल्ट अदृश्य होते हैं, आपको कोई फायदा नहीं दिखता, फिर कई दिनों बाद अचानक ही रिजल्ट दिखने लगते हैं। नसीम कहते हैं कि मैं कॉलेज में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता था, फिर साथ में जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू की तो एक साल तक स्टडी करता रहा, लेकिन मैं मार्केट की चाल नहीं पकड़ पा रहा था, फिर भी मैं हर दिन स्टडी करता रहा। मैंने कई सारे इकोनॉमिक्स के मॉडल पढ़े, फिर करीबन एक साल बाद मैं अचानक सही डिसीजंस लेने लगा, मार्केट का सही अंदाजा लगाने लगा, क्योंकि मुझे अपने आप मार्केट के छिपे हुए पैटर्न्स और उनके रिलेशंस देखने लगे। ऐसा क्यों होता है, रिजल्ट्स कई दिनों बाद एकदम से क्यों दिखते हैं? कंपाउंडिंग के कारण, यानी अभ्यास के कई महीनों बाद छोटे छोटे बदलाव आपस में मल्टीप्लाई होकर बड़े हो जाते हैं। ये आपके साथ भी होता है, जब आप पहली बार कठिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो शुरुआत में एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, हर दिन 20 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप 6 महीने बाद एक क्वेश्चन 60 सेकंड में सॉल्व करने लगते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट हुए हैं। आपके क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ गई है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ गई है, फॉर्मूले और कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि कौन सा क्वेश्चन चुनना है और कौन सा छोड़ना है। इस कारण आपको पता भी नहीं चलता कि 6 महीनों में आपका टाइम 90 सेकंड से 60 सेकंड हो गया है, यानी 33% कम हो गया है। इसका मतलब कंसिस्टेंसी अदृश्य है, बोरिंग लगती है। जब शुरू में रिजल्ट नहीं दिखते तो हम अभ्यास छोड़कर शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढते हैं। विराट कोहली भी यही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग है, इसलिए सफलता कठिन है। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट, इट इज मोर लाइक ईट स्लीप ट्रेन रिपीट। आपको क्या करना चाहिए, विराट कोहली की तरह सोच समझकर सबसे जरूरी प्रैक्टिस और डेली रूटीन चुनो, फिर उसके पीछे पड़ जाओ, इन्हें बेहतर और बेहतर बनाते जाओ। कंसिस्टेंसी का दूसरा नियम है, कंसिस्टेंसी को दिन की पहली प्रायोरिटी बनाओ। माइक मंसियास 14 साल से लेब्रॉन जेम्स के कोच हैं और एक कंपनी के को फाउंडर भी हैं। इन्होंने माइकल जॉर्डन को भी ट्रेन किया है। वे कहते हैं कि लेब्रॉन जेम्स पिछले 20 सालों से NBA में बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं। ये आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कोच कहते हैं कि सबसे पहली बात जो आप सीख सकते हो वो है कंसिस्टेंसी को दिन की पहली प्रायोरिटी बनाओ। ना नया मूव सीखना, ना नई ट्रेनिंग करना, ना कोई स्ट्रेटेजी बनाना। कोच कहते हैं कि चाहे लेब्रॉन जेम्स चैंपियनशिप हारें, जीतें या छुट्टी हो, लेब्रॉन जेम्स की आंख खुलती है और उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग, डाइट और डेली रूटीन के प्रति कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद ही उनके लिए कोई दूसरी चीज मायने रखती है, क्योंकि लेब्रॉन जेम्स जानते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों को लगातार करने के कारण वो आज बास्केटबॉल इतिहास के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। लेब्रॉन जेम्स और माइकल जॉर्डन जैसे प्लेयर का एक और नियम है, कंसिस्टेंट इंटेंसिटी, हर बार बेहतर करने की इंटेंसिटी रखो। कोच कहते हैं कि लेब्रॉन का वर्कआउट कई वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, आप अभी डाउनलोड करके शुरू कर सकते हो। यानी लेब्रॉन का कोई सीक्रेट वर्कआउट नहीं है, ना ही इनके पास कोई सीक्रेट डाइट है, ना ही इनके पास कोई इक्विपमेंट है, लेकिन लेब्रॉन जेम्स का ओपन सीक्रेट है कि वे हर ट्रेनिंग में इंटेंसिटी लेकर आते हैं, हर बार मेहनत करने की कोशिश करते हैं और ऐसा वे सालों से करते आ रहे हैं। इसलिए वे 20 सालों से लगातार अपना गेम बेहतर करते जा रहे हैं, जिस कारण उनके कोर्ट में पैटर्न देखने की समझ और पासिंग अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों आप सोचो कि अगर आप केवल 3 या 4 चीजों के प्रति कंसिस्टेंट हो जाओ,
हर दिन लॉन्ग टर्म गोल लिखना जिससे आपका दिमाग प्रोग्राम हो जाए, हर सुबह 3 घंटे अभ्यास करना, मेडिटेशन या विजुलाइज करना, हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना और हर रात समय पर सोना। अगर आप इन चीजों के प्रति कंसिस्टेंट हो जाओ, हर दिन बेहतर करते जाओ, तो आज से 6 महीने बाद आप मेंटली किस स्तर पर होगे, आप कितना आत्मविश्वास महसूस करोगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। बिलगेट्स कंसिस्टेंसी को लेकर इससे भी ज्यादा गंभीर बात कहते हैं कि लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि 1 साल में वो क्या हासिल कर सकते हैं, और वही लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं यानी सोच भी नहीं सकते कि वे 10 साल में क्या हासिल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि अगले 10 सालों में छोटी आदतों में कंसिस्टेंसी आपको कहां ले जा सकती है। खासकर मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, जर्नल राइटिंग में कंसिस्टेंसी आपका सबकॉन्शियस माइंड नए तरीके से प्रोग्राम कर सकती है और पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकती है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अगला नियम है, सारी समझदारी शुरू करने पर लगा दो। फोकस योर कंप्लीट एनर्जी ऑन शोइंग अप। आपके पास कंसिस्टेंसी के लिए एक निश्चित समय और शांत जगह होनी चाहिए जहां आप कुछ प्रैक्टिस हर दिन करने वाले हैं। वो जगह लाइब्रेरी से लेकर जिम कुछ भी हो सकती है। प्रैक्टिकल टिप ये है कि शुरुआती दिनों में आपका पहला काम है, किसी तरह उस जगह पर पहुंच जाओ और काम शुरू करो। अगर आपको जिम जाना है तो बस जूते पहनकर जिम पहुंच जाओ। ये मत सोचो कि कौन सा वर्कआउट करना है, क्या कपड़े पहनना है, केवल जिम पहुंच जाओ। अगर पढ़ना है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस बैग उठाओ और लाइब्रेरी पहुंच जाओ। फिर लाइब्रेरी पहुंचकर खुद से कहो कि मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, केवल 15 मिनट में छोटा सा टॉपिक पढ़ता हूं। अपनी पूरी एनर्जी केवल सही जगह पहुंचने और काम शुरू करने में लगा दो जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। कंसिस्टेंसी जिंदा रखने के लिए अगला नियम समझो, कंसिस्टेंसी एक एग्रीमेंट है। किसी न किसी प्रकार का लेन देन 2 पार्टियों के बीच होता है, उसमें कुछ शर्त भी होती है, आप ये दोगे तो आपको ये मिलेगा, इसे एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट का फायदा ये है, आपको पता होता है कि क्या करने से क्या मिलने वाला है। नुकसान ये है कि जब एग्रीमेंट टूटता है तो साथ में विश्वास भी टूटता है। कंसिस्टेंसी भी एग्रीमेंट है जो आप अपने साथ करते हो। आप खुद से वादा करते हो कि मैं सफल भविष्य के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हर दिन ये काम करूंगा, लेकिन जब ये एग्रीमेंट टूटता है तो खुद पर से भरोसा उठ जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी टूटने के बाद दोबारा शुरू करने में बहुत दिन लग जाते हैं। टिम फेरिस कहते हैं कि जब कंसिस्टेंसी टूटने जा रहा हो तब आपके पास एक रास्ता बचता है, वो है रीनेगोशिएट दी एग्रीमेंट। दोस्तों, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, आप इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना काम करती है। जब भी आपको लगे कि मेरी कंसिस्टेंसी टूटने जा रही है तो तत्काल खुद से रीनेगोशिएट करो कि ठीक है, आज मैं सुबह 1 घंटे कम पढ़ पाया तो आज शाम को 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, फिर अगले दिन भी 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। इस तरह खुद से किया हुआ वादा टूटेगा नहीं और कंसिस्टेंसी जिंदा रहेगी। जरूरी यह है कि लगातार 2 दिन ब्रेक नहीं लगना चाहिए, यानी 1 दिन का ब्रेक दूसरे दिन की गिल्ट में नहीं बदलना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप, जब भी रीनेगोशिएट करें तो उसे पेपर पर लिखकर अलार्म लगाएं कि अगले दिन इस समय एग्रीमेंट पूरा करूंगा। पेपर नहीं है तो अलार्म के लेवल पर ही लिखिए, सेव कंसिस्टेंसी, वर्क एक्स्ट्रा 30 मिनट्स। जब अलार्म बजे तो आपको याद रहे कि अभी एक्शन लेना और कंसिस्टेंसी बचाना कितना जरूरी है। कंसिस्टेंसी के लिए एक और प्रैक्टिकल टिप डेविड गॉगिंस की तरफ से, खुद को कठिन काम पूरा करते हुए देखो, शॉर्ट टर्म विजुअलाइजेशन। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि कल आपको एक कठिन वर्कआउट पूरा करना है और आपको पता है कि इस वर्कआउट के बाद आप पूरी तरह थक जाओगे, सर घूमने के कारण आपको उल्टी भी हो सकती है, फिर आपका दिमाग बार बार कहता है मत करो, खुद को इतना कष्ट क्यों देना। डेविड कहते हैं, ऐसी स्थिति में मैं कंसिस्टेंसी के लिए विजुलाइज करता हूँ, अपने आप को वो कठिन वर्कआउट पूरी इंटेंसिटी से करता हुआ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैंने वर्कआउट का आखिरी स्टेप पूरा किया, उसके बाद मैं बहुत खुश और गर्व से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। डेविड कहते हैं कि इससे मेरा चिंतित मन शांत हो जाता है और अगले दिन सबसे कठिन वर्कआउट शुरू करने में पहले जितनी रेजिस्टेंस महसूस नहीं होती। दोस्तों, आप भी कंसिस्टेंसी के लिए ऐसा कर सकते हो। जब आपको पता है कि अगले दिन बहुत कठिन काम आने वाला है जो आपको पूरी तरह थका देगा, तो आप आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए कि आपने आसानी से काम शुरू कर लिया, फिर आप पूरे फोकस से काम कर रहे हो तो आपको कठिनाई का पता भी नहीं चला, आपने नियत समय पर काम पूरा कर लिया है।
जिसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रिक आपको कठिन दिनों में कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करेगी। इससे आप कठिन काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। समरी, कंसिस्टेंसी का पहला नियम कहता है कि कंसिस्टेंसी कठिन है क्योंकि यह दृश्य है। अभ्यास के कई महीनों बाद छोटे छोटे बदलाव मल्टीप्लाई होते हैं और एकदम से अंतर दिखने लगता है। कंसिस्टेंसी के लिए सबसे जरूरी प्रैक्टिस चुनो, साथ में डेली रूटीन बनाओ और फिर इनके पीछे पड़ जाओ। अगला नियम है, कंसिस्टेंसी को दिन की पहली प्रायोरिटी बनाओ। सुबह उठो तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलना चाहिए कि पहले मुझे अपना डेली रूटीन और सबसे जरूरी प्रैक्टिस पूरी करनी है। तीसरा नियम, हर बार बेहतर होने की इंटेंसिटी रखो, कंसिस्टेंट इंटेंसिटी। दोस्तों, आप केवल 3 या 4 चीजों के प्रति कंसिस्टेंट हो जाओ। हर दिन लॉन्ग टर्म गोल लिखना, सुबह 3 घंटे अभ्यास करना, मेडिटेशन या विजुलाइज करना, हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना, रात को समय पर सोना, ये छोटी छोटी आदतें अगर पूरी इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी से की जाए तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म कर देंगी। कंसिस्टेंसी का अगला नियम है, सारी समझदारी शुरू करने पर लगा दो। आपके पास कंसिस्टेंसी के लिए एक निश्चित समय और शांत जगह होनी चाहिए। अपनी पूरी एनर्जी केवल सही जगह पहुंचने और काम शुरू करने पर लगा दो। कंसिस्टेंसी का अगला नियम है, रीनेगोशिएट द एग्रीमेंट। जब आपको लगे कि मेरी कंसिस्टेंसी आज टूट रही है तो खुद से रीनेगोशिएट करो कि इसकी भरपाई करने के लिए आप कब एक्स्ट्रा काम करने वाले हो, और तत्काल अलार्म लगाओ और अलार्म के लेवल पर ही लिखो, सेव कंसिस्टेंसी, एक्स्ट्रा वर्क 30 मिनट्स। कंसिस्टेंसी के लिए एक और प्रैक्टिकल टिप, शॉर्ट टर्म विजुलाइजेशन। खुद को कठिन काम पूरा करते हुए देखो। आपको पता है कि अगले दिन काम बहुत कठिन लगने वाला है, तो आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए कि मैं आसानी से काम शुरू कर रहा हूँ, पूरे फोकस से काम हो रहा है, कठिनाई का पता नहीं चल रहा, मैंने समय पर काम पूरा कर लिया है और अब मैं कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, इन तरीकों को लगातार फॉलो कीजिए, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको चिंता होती है और समझ नहीं आता कि क्या करें, तो जानिए कि डर सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन है। आप भविष्य में कुछ बनना चाहते हो जो सबकॉन्शियस में बैठे बिलीफ सिस्टम से मेल नहीं खाता, इसलिए सबकॉन्शियस डर पैदा करता है जो आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखता है। इस वीडियो से आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में और कंफर्ट जोन तोड़ने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को सेव करके शांति से देखिए, ये वीडियो आपके काम आएगा। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।